हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज बनाएंगे हम खिचड़ी, और ये खिचड़ी खाने में बहुत टेस्टी लगता है फ्रेंड्स। आप एक बार ज़रूर ट्राई करना इस रेसिपी को। मैं एक बाउल ली हूँ, बाउल में 100 ग्राम जितना सोयाबीन डाल रही हूँ, और सोयाबीन को अच्छे से ठंडा पानी में भिगो के रख देंगे 5 से 7 मिनट के लिए। इतना देर में अच्छे से सोयाबीन भीग जाएगा। मैं आधी कटोरी चावल ली हूँ, आधी कटोरी दाल ली हूँ। इनको 2-3 पानी अच्छे से हम धो लेंगे, और इसमें भी 1.5 कटोरी पानी डाल के हम इसको भी रख देंगे रेस्ट पे। अब सोयाबीन हमारा फूल गया है, सोयाबीन के पानी अच्छे से निचोड़ के हम निकाल लेंगे फ्रेंड्स, बिल्कुल अच्छे से निकाल लेंगे। जितना पानी अच्छे से निकलेगा उतना हमको भूनने में सोयाबीन आसानी रहेगी। मैं सारा सोयाबीन को भून ली हूँ, इसको मैं कुकर में बना रही हूँ। कुकर में मैं 2 चम्मच तेल डाली हूँ, और सोयाबीन डाल के मीडियम फ्लेम पे हम सोयाबीन को कलर चेंज होने तक हम भून लेंगे। आप चाहे तो फ्राई पैन में ही सोयाबीन को भून सकते हैं, उसके बाद कुकर में बनाएं। मैं उसी कुकर में बड़े 4-5 चम्मच तेल डाली हूँ, 2 तेज़पत्ता डाली हूँ, 2 सूखी लाल मिर्च डालूँगी, 1/2 चम्मच जीरा डालूँगी। इनको 1 मिनट के लिए भून लूँगी, और मैं 2 हरी मिर्ची बारीक कटा हुआ, 5-6 लहसुन की कलियां बारीक कटा हुआ, और 1 बड़े साइज़ का प्याज कटा हुआ हम डाल देंगे, और इसको भी कलर चेंज होने तक भून लेंगे मीडियम फ्लेम पे। मैं भून ली हूँ मीडियम फ्लेम पे, प्याज गल गया है। अब मैं आलू डालूँगी। मैं 100 ग्राम जितना आलू है, आलू को बड़े साइज में मैं कट कर ली हूँ, और आलू को डाल के आलू को भी 2 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे भून लेंगे। 1 चम्मच नमक डालेंगे, आप स्वाद अनुसार कम बेस कर सकते हैं। 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, 1/2 चम्मच भुना हुआ जीरा, और 1/2 चम्मच गरम मसाला, और 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर। मैं हल्दी पाउडर डालना भूल गई थी फ्रेंड्स, मैं बाद में डाली हूँ। और इन सारे मसाले को डाल के 2 मिनट के लिए भून लेंगे मीडियम फ्लेम पे, और सोयाबीन डाल के सोयाबीन को भी सब्जी को हम 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे भून लेंगे। इसके बाद चावल दाल डाल देंगे और पानी डाल देंगे। मैं 1 लीटर से ज़्यादा पानी डाली हूँ। पानी डाल के और टमाटर डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैं थोड़ी सी धनिया पत्ता डाली हूँ, और धनिया पत्ता डाल के अच्छे से मिक्स करके हम इसको ढक्कन लगा के, मैं बताई थी नहीं कि हल्दी पाउडर डालना भूल गई थी, मैं बाद में हल्दी पाउडर डाली हूँ फ्रेंड्स। हल्दी पाउडर को डाल के मैं अच्छे से मिक्स करके ढक्कन लगा के, एक हाई फ्लेम पे सीटी, एक मीडियम फ्लेम पे सीटी लगा के कुकर को ठंडा करके हम खोल लेंगे, और उसमें कटी हुई थोड़ी धनिया पत्ता डाल के मिक्स कर लेंगे, और हम खिचड़ी को सर्व कर लेंगे। और देख सकते हैं फ्रेंड्स कितनी अच्छी खिचड़ी बनी है फ्रेंड्स। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और